सुजानपुर के बिजली घर मैदान के पिछली तरफ रिचा प्रिंटिंग प्रेस के सामने पिछले दिन घर में दिन दिहाड़े ही चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी देते हुए घर की मालकिन सुनीता देवी ने बताया है कि वे दोपहर को पास ही के अपने रिश्तेदारों के घर कुछ समय के लिए गई थी। जब वापिस आकर देखा तो उनके घर से अलमारी के ताले तोड़कर 25,000 रुपये नकद, सोने की चूड़ियां, चांदी का सामान, घर के मंदिर से गुल्लक समेत इलेक्ट्रॉनिक सामान भी चुराकर आधे घंटे में चोर फरार हो गए। घर की मालकिन ने बताया है कि चोर घर की बाहरी दीवार फांदकर अंदर घुसे थे। इस बात का पता उन्हें बाहरी गेट पर ताले को सही सलामत देखकर पता चला। अंदर आने पर जब घर का सामान बिखरा देखा तो उन्हें चोरी की शंका हुई। घर वालों ने चोरी की शिकायत स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज करवा दी है। अब देखना है कि पुलिस कितनी जल्दी चोरों को अपनी गिरफ्त में लेती है। नाम सुनीता है, मैं सुजानपुर 4 नंबर रिचा फ्लेक्स प्रिंटिंग प्रेस से, सामने मेरा घर है। मैं थोड़ी देर को एक कल 29 तरीक की गल है कि मैं ना घर साफ सफाई करके तो अपनी जठानी के घर 15 के 20 मिनट छोटे बच्चे नाल बैठी जाके और घर के दोने मेरे गेट लॉक करके गई। अंदरों मेरा एक लॉक खुला ही तो किसी ने पता नहीं कौन आके तो एक अंदर जाके अलमारियाँ खोल के अलमारियाँ लॉक तोड़ के मेरे 25,000 रुपये पर्स नाल सारे परिवार के आधार कार्ड तो एक सोने की चूड़ियाँ सी तो नाल बच्चे के चांदी का समान ही बहुत सारा तो वह अलमारी चू लै के लाक तोड़ के तो चले गए अद्धे घंटे के बीच बीच ही। तो पूजा रूम के भी समान सारा बाहर कढ़िया ही उन्होंने, वो बुफर वगैरह ही, बेटी की एक गोलक सी थोड़े पै ही 2,500-3,000 तक होगी। वह भी कि नुकसान हो गया प्रोपरली सारा सारा देखना है, गोल्ड भी पा के तो 1,50,000 का समान भी सारा हो गया होना। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਸੇ 'ਤੇ? ਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ, ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੁਛ। Once you visit this campus, your all queries regarding admission shall be fulfilled. Do visit us before seeking admission anywhere.